उस राख से बच्चे भी खेल लेते हैं जिसमें आग नहीं होती, और सच्चाई के समक्ष सिर्फ वही खड़े होते हैं जिनके चरित्र में कोई दाग नहीं होती। नमस्कार, मैं साल प्रजापति ओसन आप नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल के मैथ की वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पहले जानने से पहले हम ये समझ लें वृत्त और गोला में क्या अंतर होता है। जैसे गोला का अगर एग्जाम्पल लें तो फुटबॉल ये सब आ जाते हैं, और वृत्त का एग्जाम्पल लें जैसे चूड़ी कंगन ये सब आता है। जैसे वृत्त में दो चीजें मतलब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, एक आएगा वृत्त की परिधि और एक आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे परिधि में ये केवल बाहरी भाग लिया जाता है, जैसे जो हम लोग कंगन पहनते हैं जो लोहे से बना होता है वही परिधि होता है, और उसके अंतर्गत यानी जो हम लोग कलाई आती है वो क्या होगी, अगर पूरी तरह से यहाँ तक हम लोग चढ़ा लेंगे तो पूरा एकदम कस लेता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जैसे ये जो लाइन है ये क्या है, परिधि है, और इसके अंदर का ये जो सब भाग है ये क्या है, क्षेत्रफल है। बस इतना ही वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, मतलब एक परिधि ज्ञात करना होगा और एक क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम लोग आज 12.1 प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पहली प्रश्नावली है। तो यही सब लोग शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे। पहले हम लोग जो पहला सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त है, एक एक वृत्त बड़ा होगा एक वृत्त छोटा होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि एक का वृत्त एक का त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो जिसकी त्रिज्या जितने बड़ा रहेगा वो वृत्त उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा। तो ये 19 सेंटीमीटर का ये बड़ा है और ये 9 सेंटीमीटर तो उसे उसके सामने बच्चा लग रहा है। और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अभी फिलहाल के लिए त्रिज्या को छोड़ दीजिए, कहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तियों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी इन दोनों की परिधि चाहे जितनी भी आए लेकिन जो एक और तीसरा वृत्त बनेगा उसकी परिधि इनके योग के बराबर। मान लीजिए इसकी परिधि 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5 सेंटीमीटर, तो जो अगला वृत्त बनेगा उसकी परिधि कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, मतलब इस इन दोनों के योग के बराबर होगा। जैसे हम लोग पहले मान लेते हैं, क्योंकि माना पहले वृत्त की त्रिज्या आर वन तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या ऐसे R1 R2 मानने से ये रहेगा, हमको कंफ्यूजन नहीं होगा ना, पहला R1 हो गया दूसरा R2 हो गया और जो तीसरा नया वृत्त बनेगा उसका R3 मान ले रहे हैं, और तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3। पहले हम लोग ये जानते हैं वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि या परिमाप भी कहीं कहीं देता है, परिधि कहिए या परिमाप कहिए एक ही बात है। और वृत्त की अगर परिधि देखेंगे तो होता है 2 पाई आर। तो यहाँ कहीं क्षेत्रफल की तो बात है नहीं, हर जगह क्या है परिधि से लेते हैं, तो हमको किस फार्मूले की जरूरत है, वृत्तों से संबंधित सॉरी वृत्त की परिधि जो कि है 2 पाई आर। पाई का मान जब तक अन्यथा नहीं कहा जाएगा तब तक 22/7 लेना है, और जहां 3.14 लेना रहेगा वहां कह देगा कि पाई का मान इतना रखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कहा है तो हम लोग कितना रख देंगे पाई की जगह पर 22/7। तो पहले दोनों क्या है, जिसकी परिधि इन उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी R1 बराबर जो दिया है कितना दिया है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, तो R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, R2 बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर। तो तीसरे यानी R3 बराबर क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो यही हमको ये चीज कंफर्म पता है कि जो दो वृत्त पहले हैं जिनकी त्रिज्या दिया है उनकी उनके द्वारा जो परिधि बन रहा है उनके योग के बराबर तीसरे वृत्त की परिधि होगी।
तो इनका अगर हम परिधि निकालेंगे तो क्या होगा, पहले का निकालेंगे तो 2πr1, दूसरा क्या होगा 2πr2। अब इन दोनों की परिधियों को हम जोड़ रहे हैं, एक पहले वृत्त की परिधि हो रही है और दूसरा दूसरे वृत्त की परिधि, इनको जोड़ेंगे तो तीसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr3। बस अब r का मान रख दीजिए, बस आ जाएगा 2πr1 दो गुणे पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, नहीं तो अब यहां से कॉमन ले ले रहे हैं ना, 2π हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो बचेगा क्या r1 + r2, और यहां क्या है 2πr3। अब 2π को इधर लेकर आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उधर गुणा इधर आएगा तो भाग होगा, तो r1 + r2 = r3। अब r1 की जगह कितना रखना, r1 बराबर दिया है कितना 19 सेंटीमीटर, यहां रख देंगे 19 सेंटीमीटर, प्लस r2 बराबर कितना है 9, तो यहां रख देंगे 9 = r3। 19 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी r3 बराबर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, क्योंकि उनकी लंबाई सेंटीमीटर में दिया था, तो इसकी लंबाई भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में भी आएगा, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसके द्वारा जो परिधि बनेगी वो तीसरा जो वृत्त बनेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि परिधियों से संबंधित था, और लगभग सेम वैसे ही है, उसमें परिधि से संबंधित था, इसमें क्षेत्रफल से बिल्कुल लगभग सेम है क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ऐसे उसमें भी दिया था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। जो पहले था क्या कहा था कि उसकी जो परिधि थी तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की जो परिधि थी वो पहले दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर था, और इसमें क्षेत्रफलों के योग के बराबर, तो सेम प्रोसेस वैसे ही चलेगा। इसमें भी मानना होगा आपको, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 जैसे उसमें माना गया था, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, तीसरे वृत्त की त्रिज्या, मिला जुला के तीन वृत्त हो रहे हैं, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ये कितना हो जाएगा R3। तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ था, वृत्त की परिधि जो कि होता है 2πr, लेकिन इसमें कौन सा यूज होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² अब इसमें जैसे 2πr1 + 2πr2 = 2πr3 कर दिया गया था पिछले वाले में, अब इसमें कर दिया जाएगा क्या πr1² + πr2² = πr3², क्योंकि इसमें जो तीसरा वृत्त है वो इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, ना कि परिधियों के, तो हो जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr1² प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr2² बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr3² ये हो जाएगा। बस अब ऐसे इसमें भी मान रखना, अभी पाई कॉमन ले लिया जा रहा है, तो बचेगा r1² + r2² और इधर क्या हो जाएगा πr3², पाई को इधर लेकर आएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा r1² अब यहीं से मान रख दिया जा रहा है, r1 की जगह पर क्या रखना हमको, यहाँ को लिख देना चाहिए था r1 बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, r2 बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और r3 बराबर हमको ज्ञात करना, ठीक है। तो r1 की जगह क्या रख देंगे 8 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर, प्लस r2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बराबर r3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा 64, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 6 × 6 = 36 बराबर r3 स्क्वायर, 64 में 36 जोड़ेंगे हो जाएगा 100 बराबर r3 स्क्वायर। अभी r3 स्क्वायर निकाला गया हमको, कितना निकालना, केवल r3 निकालना, तो स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो ये 100 किसमें हो जाएगा कर्णी हो जाएगा, यानी r3 बराबर √100। अब r3 बराबर 100 का गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा 10, यही हमको ज्ञात करना था। पहले वृत्त की त्रिज्या दिया था r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और यह कह दिया था कि जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम पहले वृत्त के क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दिए। अब प्रश्न के
मतलब अनुसार चलना ही था, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर था तो हम बराबर रख दिए। अब पाई यहां से कॉमन ले लेंगे, आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर बराबर आर थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, आर वन की जगह से हम यहाँ से मान रख देंगे 64 36 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर इधर सीधा लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 100, करड़ी में आर थ्री बराबर यहाँ से स्क्वायर करड़ी हो जाएगा 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10। दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, आगे करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो अब हम लोग दो लगा चुके हैं, पहला परिधि और दूसरा क्षेत्रफल, अब तीसरा लगाएंगे। ये थोड़ा सा उन लोगों से अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, ये तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, देखे होंगे मूवी में जब लगाते हैं तीरंदाज तो बीच में यानी गोल्ड वाले मारना होता है ना, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर पांच क्षेत्र हैं, पहला है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और लास्ट में है व्हाइट, चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से आप जिसमें लगाएंगे तीर से निशाना उस हिसाब से आपको अंक मिलेगा, खैर उससे हमको लेना देना नहीं है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, कोई भी अब एक तरह से ये वृत्त ही है जो गोल्ड बना है, इसका व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से होती हुई कोई एक जीवा, कोई भी जीवा अगर केंद्र से होकर जाती तो वही व्यास होता है, तो ये कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। खैर हमको निकालना क्या है, क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर यूज होता है, तो आर लगता है ना कि डी, डी बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर और आर बराबर क्या होता है डी का डी बटा दो हो जाता है, यानी आर बराबर 21 बटा दो हो जाएगा, काट देंगे तो आर बराबर हो जाएगा 10.5, यानी गोल्ड के लिए जो त्रिज्या हमारी आएगी वो कितने आएगी 10.5। फिर उसके बाद क्या अंक प्राप्त करने वाले इन पांच क्षेत्रों यहाँ 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी का क्षेत्रफल पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी इसका व्यास तो गोल्ड का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद जो ये अन्य पट्टी लगी है, गोल्ड के बाद रेड पट्टी है, रेड के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, पहले के लिए भी 10.5 सेंटीमीटर आर है, लेकिन उसके बाद जब इन सबकी त्रिज्याएं लिखेंगे तो आप इसमें 10.5 में 10.5 बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हर एक पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5। फिलहाल हम गोल्ड के लिए भी निकालते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लिखेंगे गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए अब इसमें त्रिज्या दिया है कितना दिया है डी, मतलब व्यास दिया था कितना d बराबर दिया था 21 सेंटीमीटर, अतः r बराबर कितना हो जाएगा 21 बटा 2 यानी 10.5 सेंटीमीटर, r बराबर 10.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल तो हमको ज्ञात ही करना है, तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देंगे, पाई r स्क्वायर होता है डायरेक्ट रख रहे हैं 22/7 गुणे r स्क्वायर यानी 10.5 गुणे 10.5, अब 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5 गुणे 22 करेंगे टोटल एक साथ ही लिख देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 24/25.5 आएगा, 24/25.5/7 105 गुणे 22 करेंगे तो कितना आएगा 24/25.5 और नीचे 7 है ही, अब यहां से इसको भाग देंगे तो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में जरूर नहीं है लेकिन स्क्वायर में करके आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी आएगा लेकिन स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल। तो गोल्ड के लिए इसका गोल्ड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 346.5 सेंटीमीटर गोल्ड के लिए। अभी अब इसके बाद हमको कितना सबका निकालना, बारी बारी से गोल्ड का निकल गया, फिर उसके बाद अब इसका निकालेंगे रेड का। यहाँ ध्यान देने के लिए बस यही बात है कि मतलब यहाँ से रेड का क्षेत्रफल इसके अंदर किसका है गोल्ड का, तो हमको इस पूरे रेड का निकालना, यानी ये जो इतना पट्टी है बस इतने का क्षेत्रफल निकालना है, और इस मतलब अगर हम इस तरह से वृत्त का पूरे क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें ये जो अंदर गोल्ड वाला है ये भी आ जाएगा, तो यहाँ से हम गोल्ड निकालेंगे तो खैर इसी का रेड का ही रेड का निकाल कर फिर गोल्ड वाले को क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे तो हमको इस पट्टी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, यानी इस रेड पट्टी का क्षेत्रफल तो रेड का क्षेत्रफल केवल रेड का पूरे का क्षेत्रफल यानी निकालेंगे उसमें गोल्ड भी शामिल हो जाएगा पूरे का क्षेत्रफल, फिर उसमें से माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल तब आएगा रेड पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है आगे यहां हम लिख देते हैं गोल्ड के लिए ये हो गया, अब
रेड के लिए, रेड के लिए। अब यहां से गोल्ड के लिए इसका त्रिज्या कितनी थी, इसकी त्रिज्या थी कितनी 10.5। जो यहां से पट्टी बढ़ी है, यहां से कहा है प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, तो यहां से यानी इस पट्टी की चौड़ाई है 10.5, तो त्रिज्या यहां से यहां तक अब इसके लिए पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम गोल्ड का रेड का निकालेंगे तो यहां से यहां तक का पूरा क्षेत्रफल निकलेगा, यानी ये यहां तक का पूरा क्षेत्रफल इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसके लिए 10.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई इस पट्टी की, तो मिलाकर 10.5 में 10.5 जोड़ के कितना हो जाएगा 21, यानी r बराबर इसका कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब फिर इसी तरह रख देंगे, पाई r स्क्वायर डायरेक्ट मान रख रहे हैं 22/7, पाई की जगह 22/7 रखना, क्योंकि अन्यथा कुछ 3.14 रखने के कहीं कहा ही नहीं है, गुणे r स्क्वायर, r की जगह कितना रखेंगे 21 गुणे 21, काट देंगे 1 7 3 21 हो जाएगा, 22 3 6 66 गुणे 21 गुणा कर देते हैं 66 6 9 12, तो हासिल 6 9 12 13 6 8 3 1 कितना आया 1386। अभी ये केवल रेड पूरे का क्षेत्रफल आया, रेड पट्टी का क्षेत्रफल नहीं आया, इसमें ये जो गोल्ड अंदर वहां दिख रहा है ये भी उसमें शामिल हो गया है, लेकिन हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, अंक प्राप्त कर पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब केवल पट्टी का ही क्षेत्रफल निकालना है, ना कि पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसमें से ये गोल्ड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, गोल्ड का क्षेत्रफल हम यहाँ निकाले हैं कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है। अब इस रेड रेड वाले क्षेत्रफल में से, मतलब रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1386 - 346.5, ये गोल्ड वाला क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे 346.5 सेंटीमीटर, घटाने पर आएगा कितना 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, घटा लीजिएगा आप लोग, इतना ही आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल, गोल्ड गोल्ड का क्षेत्रफल कितना था, इसमें तो खैर कुछ घटाना ही नहीं था क्योंकि इसके अंदर कोई और था ही नहीं, गोल्ड का क्षेत्रफल आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद रेड का क्षेत्रफल जब निकाला गया तो ये पूरा शामिल हो गया था, यानी ये सब का सब शामिल हो गया था, गोल्ड वाला भी, फिर रेड का पूरे का क्षेत्रफल में से इस गोल्ड का क्षेत्रफल घटा दिया गया तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल पता चल गया। बिल्कुल इसी तरह से अब निकालेंगे हम लोग ब्लू का क्षेत्रफल, जब ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें ये रेड गोल्ड सब आ जाएगा, मतलब रेड भी आ जाएगा गोल्ड भी आ जाएगा, ये यहां से लेकर इसके अंदर का जितना भी क्षेत्रफल दिख रहा है सब शामिल हो जाएगा। तो उसमें से कितना घटाएंगे, रेड का क्षेत्रफल घटाएंगे, रेड पूरे का क्षेत्रफल ना कि रेड पट्टी का क्षेत्रफल, केवल अगर रेड पट्टी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये गोल्ड वाला बच जाएगा और रेड पूरे का क्षेत्रफल इतना निकालेंगे, यानी रेड पूरे का क्षेत्रफल हम लोग निकाले कितना है 1386। ये जो आया रेड पूरे का क्षेत्रफल आया, मतलब गोल्ड भी उसमें शामिल है, तो ब्लू का क्षेत्रफल में से इस रेड पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमको रेड पट्टी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इस गोल्ड वाले को मिटा दें, नहीं तो अच्छा यहां कर देते हैं, रेड के बाद ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू के लिए। अब इसके लिए भी त्रिज्या, त्रिज्या में कितनी वृद्धि होगी, यहां से यहां तक हुआ था 21 सेंटीमीटर, अब यहां से इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 10.5, क्योंकि प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल कितना है 10.5, तो 10.5 इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31.5, 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 21 में 10 जोड़ेंगे 31.5, आर बराबर 31.5 सेंटीमीटर। अब इसमें भी वही फार्मूला रखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 गुणे आर की जगह इसमें कितना रख देंगे 31.5 गुणे 31.5 गुणा करेंगे 31.5 गुणे 31.5 992.5 आएगा 22.7 गुणे 992.25 इतना आएगा, गुणा करने पर 31.5 का गुणा 1.5 में करेंगे तो अब यहां से इसका भी गुणा इसमें कर लेते हैं
992.25 गुणे 22 तो आएगा 21,829.5/7। 992.25 का पूरा 22 में कर दिया गया, इतना 21,829.5/7 भाग देने पर आ जाएगा 31,18.5। 31,18.5 ये किसका क्षेत्रफल आया, ये ब्लू पूरे का क्षेत्रफल आया। अब ब्लू पूरे के क्षेत्रफल में से रेड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कितना घटाएंगे, 1386, क्योंकि इसमें जो रेड का अंदर का पूरा क्षेत्रफल, उसमें गोल्ड का भी इसी के साथ सब क्या होगा, घट जाएगा। तो इसमें से कितना घटा देंगे, 1386 31,18.5 माइनस रेड का क्षेत्रफल, यानी 1386 इतना ही। अब घटाएंगे 31,18.5 में से 1386 आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया किसका क्षेत्रफल, यहां के लिख देते हैं ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बचा कौन कौन सा है, ब्लू का हो चुका, ब्लैक और व्हाइट का बचा है। बिल्कुल इसी तरह से ब्लू का निकाल ही चुके हैं, ब्लैक का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ब्लैक का निकालेंगे, पहले तो इसमें 10.5 जोड़ता जाएगा, जो भी इसकी त्रिज्या होगी 31.5 में 10.5 और जोड़ देंगे, जो हो जाएगा तो पूरे ब्लैक का आएगा, यानी यहां से लेकर इसके अंदर का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसमें से ब्लू का क्षेत्रफल घटा देंगे, ब्लू का क्षेत्रफल आया कितना है, 31,18.5। ये आया था ब्लू का क्षेत्रफल पूरे का, इसमें ब्लू से अंदर जितना भी क्षेत्र पड़ रहा था सब इसी में हो जा रहा था, रेड गोल्ड सब आ जा रहा था। तो इसका निकालेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल, इतना घटा देंगे तो हमको ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये निकाल दे रहे हैं ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए इसके लिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 10.5 + 10.5 + अभी यहां जो ब्लू का निकाला गया था कितना आया था, 31.5। अब इसी में 10.5 और जुड़ जाएगा, 10.5 चौड़ा है ब्लैक, ब्लैक भी 10.5 5 5 5 10 1 1 2 यानी 42 आएगा, 42.0 आएगा, यानी 42 मिलेंगे। R बराबर कितना आया, 42। और इस क्षेत्रफल इसका निकालना था पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पर 22/7 गुणे 42 गुणे 42। अब 42 गुणे 42 करेंगे कितना हो जाएगा, 1764। 22/7 × 1764। अब 1764 का गुणा किसमें करेंगे, 22 में हो जाएगा 38,808 7 से भाग देंगे तो आएगा 55/44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, ये इस ब्लैक का क्षेत्रफल, यानी ब्लैक के अंदर जितना भी क्षेत्रफल है पूरा कवर हो जा रहा है, इसके अंदर पूरा क्षेत्रफल आ जा रहा है। अब इसमें से क्या करेंगे, इस ब्लैक का ब्लू का क्षेत्रफल घटा देंगे, वो भी ब्लू पट्टी का नहीं, ब्लू पूरे का, मतलब ब्लू के अंदर रेड गोल्ड सब आ जाएगा जिसमें। तो ब्लू का क्षेत्रफल वैसा वाला कहा था, ये आया था जो 31,18.5, ये ब्लू पूरे का क्षेत्रफल था, ब्लू के अंदर जितनी भी जगह पड़ रही थी पूरे का क्षेत्रफल, यानी 5,544 में से कितना घटा देंगे, 31,18.5 घटा देंगे। तो ये जो आएगा ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आएगा, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल 55/44 − 31,18.5 55/44 में से 31,18.5 घटा देंगे तो आएगा 24/25.5 ये आएगा ब्लैक, हाँ ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल 24
25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा किसका क्षेत्रफल? ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। थोड़ा जगह के शॉर्टेज होने के वजह से काफी इधर उधर हो गया है। सिस्टमेटिक ढंग से आप पहले एक बार केवल वीडियो देखिएगा, उसके बाद अपने से लगाने की कोशिश करना पूरा। अभी एक बचा है व्हाइट का क्षेत्रफल, उसके लिए हम गोल्ड वाला क्षेत्रफल मिटा दे रहे हैं। 346 आया यही है आंसर व्हाइट के लिए। व्हाइट के लिए देखा जाए तो इसके लिए कितनी हो जाएगी त्रिज्या? इसके लिए हुआ था 42, 42 में 10.5 होगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि हर एक पट्टी का क्षेत्रफल कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो एक पट्टी और बढ़ रहा है तो 10.5 जुड़ जाएगा। 42 प्लस 10.5 जोड़ दीजिए, 5 2 5 यानी 52.5, आर बराबर 52.5 सेंटीमीटर। फिर वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पर कितना रख देंगे? 22/7 × 52.5 × 52.5। अब 52.5 × 52.5 करेंगे तो 22/7 × 27.5 27/56.25 आएगा। इतना 52.5 × 52.5 करेंगे तब, अब 22 में इससे गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 60/637.5/7, भाग देने पर आ जाएगा 86/62.5। ये आया व्हाइट का क्षेत्रफल, यानी इस पूरा जो पूरा तीरंदाज वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 86/62.5। अब इसमें जबकि ये पूरे का है, हमको निकालना कितना है? केवल इसी का क्षेत्रफल, मतलब ये जो पट्टी पड़ रही बस इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्लैक का क्षेत्रफल घटाएंगे, और ये केवल ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल नहीं घटाएंगे, ब्लैक पूरे का क्षेत्रफल घटाएंगे, ब्लैक के अंतर्गत जितनी भी जगह आ रही है सबका क्षेत्रफल। तो ऐसा वाला ब्लैक का कहाँ आया था? ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल तो ये आया, और ब्लैक का क्षेत्रफल जो आया था उसके अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र जो आया था वो कितना था? 55/44। तो इसमें से 55/44 घटा देंगे, यानी व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल 86/62.5 -55/44, इसको घटाने पर आ जाएगा 31/18.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया किसका? व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। तो बारी बारी से हम लोग पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। गोल्ड का क्षेत्रफल के लिए आर बराबर कितना रखा जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रेड का क्षेत्रफल जब निकाला जाएगा तो ये पूरा आएगा, जो भी गोल्ड का क्षेत्रफल आया रहेगा रेड वाले क्षेत्रफल में से घटा देंगे हम, इतना घटा देंगे तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। फिर उसके बाद रेड पट्टी के क्षेत्रफल के बाद जाएंगे ब्लैक के क्षेत्रफल के लिए, पहले ब्लैक के लिए लिखेंगे तो ब्लैक का क्षेत्रफल आएगा पूरा, ठीक, उसमें से फिर निकालेंगे रेड का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल नहीं रेड पूरे का क्षेत्रफल, इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएगा सबका क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऐसे ऐसे बारी बारी से प्रत्येक पट्टी में 10 मतलब त्रिज्या में 10.5 प्लस करते चले जाएंगे और क्षेत्रफल निकलता चला जाएगा। काफी टफ नहीं है, नहीं समझ आएगा फिर से वीडियो देखिएगा, और कोशिश करना अपने से करने की क्योंकि मैथ रटने से नहीं आती है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन लगाते हैं तीसरे के बाद चौथा। एक के 3 सवाल हो चुके हैं, अब चौथा लगाएंगे। इसमें है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई कार है उसके पहिया जो है उसका व्यास कितना है? व्यास है तो केंद्र से गई होगी कोई जीवा, वो कितना सेंटीमीटर है? 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल कितना दिया है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है? अब जैसे कोई मान लीजिए कोई दूरी है और इस पर उस जो पहिया चल रहा है उसका व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। ये पहले तो हमको दूरी ज्ञात करनी होगी क्योंकि इसमें दूरी पता नहीं है, हाँ चाल और समय दिया है, दूरी ज्ञात हो जाएगी। फिर उसके बाद इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे, जो दूरी आएगी उसमें
इस पहिए की परिधि से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि ये इसमें कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, पहले हम लोग परिधि ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूरी ज्ञात कर लेते हैं, फिर जो दूरी आएगी उसमें परिधि से भाग दे देंगे, बस और कुछ नहीं। तो इस पहिए की परिधि कितना हो जाए, पहले तो इस पहिए का व्यास कितना दिया है, पहिए का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या पहले से ही हम लोग पढ़ते आए हैं व्यास का आधा होता है उसकी त्रिज्या, यानी 80/2, 80 में 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब पहिए की त्रिज्या पता चल गई, और इसमें क्या ज्ञात करना है, उसमें चक्कर लगाएगा तो क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा, परिधि ज्ञात करना होगा, क्योंकि पहिया पहिए का जो बाहरी होगा वही चक्कर लगाएगा, केवल जो टायर होगा वही चक्कर लगाएगा, तो उसमें क्या ज्ञात करना होगा, परिधि, पहिए की परिधि, परिधि वृत्त की परिधि बराबर पहिया वृत्त की तरह ही होगा ना, पहिए की परिधि वृत्त की परिधि होती है पाई आर स्क्वायर, इसका भी कितना, सॉरी 2πr, इसका भी कितना होगा 2πr, 2π की जगह कितना रख देंगे 22/7, गुणे r की जगह कितना रख देंगे 40, गुणा कर देंगे 22 × 44 गुणे 4/7, 44 × 40/7, इतना क्या आएगा, पहिए की परिधि आ गई। अब क्या ज्ञात कर लेंगे, दूरी ज्ञात कर लेंगे, दूरी से, दूरी में इस परिधि से भाग दे देंगे। अभी दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कह दिया, चाल, कार की चाल, छाछठ किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है 10 मिनट, तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसको किस में बदल लेंगे, किलोमीटर को हम लोग बदल लेते हैं मीटर में, और घंटा को किस में बदल लेते हैं मिनट में, क्योंकि ये जो दिया हो मिनट में दिया है, ये किलोमीटर से मीटर में क्या बदलना है, इसको बदलना होगा हमको सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो इसकी व्यास या त्रिज्या जो दिया है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो पहले हम लोग अच्छा इसको 66 × किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 1000 से, क्या हो जाएगा, गुणे 1000। फिर इसको भी हमको किस में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में ना बदलकर सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से पहले थी 66 में 1000 से गुणा कर दिया गया तो आ गया मीटर में, फिर मीटर में 100 से गुणा कर दिया जाएगा तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, गुणे 100/। अब ये घंटा जो दिया इसको हमको किस में बदलना है, मिनट में बदलना है, चूंकि ये जो समय दिया किस में दिया है, मिनट में, सब यूनिट एक ही में होना चाहिए तभी सवाल सही आएगा। तो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60, तो यहाँ कितने से भाग दिया जाएगा, 60 से, ये 0 0 से कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 11 × 66, यानी गुणा करने पर आएगा कार की जो चाल आएगी, कार की चाल 11 1 2 3 4 0 1 2 3 4 4 0। अब ये किसमें आया, सेंटीमीटर प्रति मिनट में आया है। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, किलोमीटर को हम लोग मिनट में सेंटीमीटर में बदल दिए हैं, और घंटा को किस में बदल दिए हैं, मिनट में, तो आ गया 11 लाख सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब इस चाल इतनी आ गई, अब समय कितना दिया है, समय दिया है 10 मिनट, समय कितना दिया है 10 मिनट, और चाल कितना है, इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी, दूरी ज्ञात हो जाएगी तो इस परिधि से क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे, दूरी बराबर, दूरी बराबर वैसे क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, डायरेक्ट लिख दिया जा रहा है, चाल गुणे समय, तो यहां हम लिखते हैं दूरी बराबर, चाल कितनी है 11 × समय कितना है 10 × 10, तो दूरी आ जाएगी हमारी
एक जीरो और बढ़ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे एक जीरो और बढ़ जाएगा, इतना आ गया दूरी। अब इसी में कितने से भाग देना हमको, जो पहिए की परिधि आई है, तो 11 भागे भाग देना है 44 × 40/7, 44 × 40/7। तो यहाँ भाग कितना, जब गुणा करेंगे तो ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो जाता है, × 7/44 × 40 काट देंगे, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे या तो दो दो से काटते जाइए, इसको काटेंगे दो हो जाएगा, 2 × 5 = 10, एक जाएगा यहाँ, 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 3, 1 × 2 = 3, फिर दो से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 0, फिर इसको काटेंगे दो से तो ये आ जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 = 0, फिर इसको काटेंगे दो से ही हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। अब इसमें 7 से गुणा करके 11 से भाग दे देंगे, 68, 75 × 7/11, तो 68, 75 × 7 करेंगे, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 7, 49 × 5 = 52, 5 × 2 = 5, 8 × 56 = 56, 5 × 61 = 61, 61 × 5 = 61, 6 × 6 = 42, 42 × 6 = 48, 48 125/11, इसी में 11 से भाग दे देंगे, 11 × 44, 4 × 1 आया, 11 × 3 = 33, यहाँ उधार जाएगा हो जाएगा 11 × 11 = 3 = 8, यहाँ कट जाएगा 2 × 11 = 77, 5 × 1 = 51, यहाँ आएगा 5 × 11 = 55, यानी भाग देने पर आएगा 43/75। यानी 10 मिनट में जो प्रत्येक पहिया चक्कर लगाएगा कितना चक्कर लगाएगा, 43/75, 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर 43/75 चक्कर लगाएगा। एक किसी पहले क्या करेंगे, परिधि ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या दिया ही था, परिधि आ गई 44 × 40/7, फिर उसके बाद हमको कार की चाल दिया है और समय दिया है। अगर चाल और समय दिया है, चाल दूरी समय तीन में से कोई भी दो ठे कर दिया तो एक ठे ज्ञात कर ही सकते हैं। चाल दिया है, समय दिया है, दूरी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, दूरी जो भी आएगी उसमें परिधि से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, हमको पता चल जाएगा कि 10 मिनट में ये जो पहिया वो कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा 12.1 का लास्ट क्वेश्चन, पांचवा है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर की उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब अगर परिमाप देखा जाए तो 2πr और क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होगा, πr² इसका संख्यात्मक रूप से क्या है, इसके क्षेत्रफल परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मतलब ये दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, परिमाप बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप क्या रख देंगे, 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, πr² खैर पाई इधर से इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2r = r² एक यहाँ r r गुणे r है ना, इसे भी लिखा जा सकता है r² है तो r गुणे r,
एक आर को इधर से इधर लेकर चले आए अगर, तो टू आर बटा आर बराबर इधर क्या बचा है, आर बचा ये आर, आर से कैंसिल यानी आर बराबर कितना गया दो मात्रक। यानी जिस संख्यात्मक रूप में बराबर होंगे जब r बराबर दो मात्रक दिया होगा, इसमें ऑप्शन दिया तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ 12.1 प्रश्नावली समाप्त हुई। आगे अगले वीडियो में लोग 12.2 का क्वेश्चन लगाएंगे या फिर उससे पहले का एग्जांपल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़िए, एक बार ना समझ में आया तो फिर से देखना और अपने से लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद। 12.1 का लास्ट क्वेश्चन पांचवा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर की उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब अगर परिमाप देखा जाए तो 2πr और क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होगा πr² इसका संख्यात्मक रूप से क्या है, इसके क्षेत्रफल परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मतलब ये दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप परिमाप बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप क्या रख देंगे 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना है πr² खैर पाई इधर से इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा यानी 2r बराबर r² एक यहाँ r उड़े r है ना, इसे भी लिखा जा सकता है r² है तो r उड़े r, एक r को इधर से इधर लेकर चले आए अगर तो 2r बटा r बराबर इधर क्या बचा है r बचा ये r, r से कैंसिल यानी r बराबर कितना गया दो मात्रक। यानी जिस संख्यात्मक रूप में बराबर होंगे जब r बराबर दो मात्रक दिया होगा, इसमें ऑप्शन दिया तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ 12.1 प्रश्नावली समाप्त हुई। आगे अगले वीडियो में लोग 12.2 का क्वेश्चन लगाएंगे या फिर उससे पहले का एग्जांपल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़िए, एक बार ना समझ में आया तो फिर से देखना और अपने से लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।